Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Arman Malik's sister Sapna, जिन्होंने रिसेंटली कई एलिगेशंस लगाए अरमान की वाइफ के ऊपर. पालन कृतिका जो है ना वो उनसे पैसे मांग रही है, ऐसा उन्होंने बोला. तो जस्ट टू गिव यू ऑल अ बैकग्राउंड, सपना जो है वो अरमान मलिक की बहन है. अभी सपना का अपना एक चैनल है जहाँ पे वो अपने ब्लॉग्स वगैरह डालती है. कुछ वक्त पहले जब कृतिका एंड पाल को बच्चा हुआ ना, तब सपना उनके घर पे गई थी. काफी दिन वहाँ पे रही, कृतिका पाल दोनों का ख्याल रखा. इवन पाल जब काफी बीमार पड़ गई थी तब भी सपना वॉज देयर फॉर देम. एंड जब वो वहाँ उनके घर में रह रही थी तब ऑफकोर्स सपना जो है ना वो अपना व्लॉगिंग वगैरह कंटिन्यू रख रही थी. इवन उनकी डॉटर भी उनके साथ वहाँ गई थी. अभी व्हाट हैपेंड वाज कि सपना जब अपना अकेली व्लॉगिंग करती थी ना अपने डॉटर के साथ, तब उतने लोग उन्हें देखते नहीं थे. बट अभी ऑफकोर्स अरमान पाल कृतिका फेमस, तो उनके साथ जब वो व्लॉग्स बनाने लगी तब काफी ज्यादा अटेंशन उनके वीडियोस को मिलने लगा. विच इज अंडरस्टूड, सपना ने लेजिट बहुत ध्यान रखा सबका, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी कृतिका एंड पाल दोनों को मदद चाहिए था. एनीवेज फिर सपना और उनकी जो बेटी है ना उनको वापस अपने घर जाने के लिए निकलना पड़ा. एंड तभी अरमान की फैमिली ने काफी गिफ्ट सुने दिए बिकॉज घर में बच्चा हुआ था. एंड उसके बाद सपना लेफ्ट. अभी अरमान के घर से रिटर्न आने के बाद सपना की जो ऑडियंस है ना उनसे कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट करती रही कि क्या मिले हैं गिफ्ट्स में वगैरह, प्लीज दिखाओ. तो उसने वही किया, शी शोड एवरीथिंग. शी सेड कि अरमान के घर से कुछ 11 सूट्स उन्हें मिले हैं एंड 11,000 रुपए भी उन्हें दिए गए. एक ये चद्दर है और एक वो था तवे का सेट. तवे का, हाँ जो वो होता है जैसे कि सब्जी फ्राई पैन वगैरह, फ्राई पैन था एक वो. अच्छा, तीन पर्स थे आपको पता ही है उनके पास, वो सारे पर्स आते. फिर वो आई बार बस दो तीन दे, दो तीन तीन दिए थे आपके बार. चार थे. तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे तो थे 10,000 रुपए और तनु के थे 1,000 रुपए और इन सब पे थे. आपको मैं बता देती हूँ फिर बोलोगे दीदी नहीं बताया. इन पे थे 100 रुपए 100 रुपए. ठीक है, बताना जरूरी होता है कि हर बात आपको बताई है तो बताना भी जरूरी होता है कि इन पर 100 रुपए 100 रुपए थे. मेरा लिफाफा था और तीन बता रही थी पर्स थे और कुछ नहीं था. एक नाइट शूट था. हाँ सच्ची एक मेरा. अब ये वीडियो बाहर आने के बाद अरमान मलिक के फैमिली को एक्सट्रीम अमाउंट में हेट मिलने लगा. बिकॉज जो सूट्स वगैरह उन्होंने सपना को दिए थे ना उसमें से कई ऐसे सूट्स थे जो उन्हें कोलैब के लिए वगैरह भेजे गए थे. एंड उसको पहन के पायल एंड कृतिका ने रील वगैरह बनाया है. तो ऑडियंस बोलने लगी कि नया कपड़ा भी खरीद के नहीं दे सकते वो सपना को, जो फ्री में मिला था वही गिफ्ट कर दिया. एंड देन कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ये मलिक फैमिली अपने हाउस हेल्प को वगैरह गोल्ड इयररिंग्स बना के देते हैं, बट खुद की बहन को उन्होंने गोल्ड का कुछ नहीं दिया. अभी ये जो हेट मिल रहा था ना उसको पायल मलिक ने एड्रेस किया एंड बताया सबको कि सबके घर में दिस हैपेंस. अगर आपके पास कपड़े हैं तो यू गिव इट टू समवन. हर बार आप नए कपड़े नहीं खरीदते. एंड रही बात गोल्ड की, तो शी सेड कि सपना दीदी के लिए ना गोल्ड के कंगन बनवाने वगैरह दिए थे. उन्हें पूछा गया था कि उनके लिए क्या बनवाए, तब शी सेड कि गोल्ड के कंगन चाहिए वो भी दो, बट वो बनवाने में टाइम लगता है. एंड सडनली सपना दीदी को एक दिन फिर जल्दबाजी में वापस अपने घर जाना पड़ा. इस वजह से जितना था उनके पास वो उन्होंने गिफ्ट कर दिया. देखो ऐसा नहीं होता कि आपकी नंद को अगर आपको कपड़े देने तो सारे के सारे आप बाहर से खरीद के लाके दोगे. आपके घर में जो होगा अब वही निकाल के देते हो. क्योंकि पापा ने अरमान जी ने पूछा था सपना तो क्या लेगी, तीन बच्चे हुए तो क्या लेगी, तो दीदी ने सामने से खुद से बोला कि मैं ना गोल्ड का कड़ा लूंगी. तो चीकू पापा ने बोला कि ठीक है मैं कड़ा बनवा देती हूँ. फिर उन्होंने बोला कि मुझे दोनों हाथों के लिए चाहिए, तो हमने बोला चल ठीक है दोनों हाथों के लिए बना देंगे. तो ठीक है कड़े अब दीदी को जाना पड़ गया ऑन द स्पॉट. अब ऑन द स्पॉट तो मैं लेके नहीं आ सकती ना कड़े, क्योंकि कड़ा कोई 2-3 हज़ार का तो बनता नहीं है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो नहीं बनता ना कुछ भी, तो उसके लिए वेट करना पड़ता दीदी को, लेकिन दीदी को जाना पड़ गया. देन कृतिका का भी एक रिस्पांस आया जिसमें शी सेड कि इसके पहले भी कई गिफ्ट्स उन्होंने दिए थे सपना दीदी को, जस्ट दैट हर बार व्लॉग नहीं बनाते इस वजह से लोगों को ये नहीं पता है. दीदी की बात रही तो दीदी के लिए हमने बहुत कुछ किया. कुछ चीजें होती है जो इंसान व्लॉग में नहीं दिखाता, कुछ चीजें होती है वो व्लॉग में दिखाता है. ये सब जब हो रहा था तब सडनली सपना का और एक वीडियो आया जहाँ पे शी वॉज क्राइंग एंड सेइंग कि उससे पैसे मांगे जा रहे हैं. पायल एंड कृतिका आर आस्किंग मनी फ्रॉम हर. एंड और भी कई एलिगेशंस उसने लगाए जो आप यहाँ पे सुन सकते हो. कुछ भी बोलो, आज मेरा नाता टूट चुका सबसे, कि मैं कभी भी मेरे मायके नहीं जाऊंगी जो मेरे साथ हो रही है. अरमान ने नू कर दिया मेरा, कुछ भी करो तन्ने के मतलब मेरी, अगर इसमें नू लगता हुआ झूठ बोलो मेरी कमाई नहीं लूंगी मैं. पिछले महीने मैंने कोई कमाई नहीं की यूट्यूब से, यूट्यूब से मेरी जो कमाई आई थी मेरा लेने का है कि नहीं, उसकी आप टूम में तोल दोगी. टूम गई है संदीप ने, रही बात है उसने क्या बोला है, चिक्कू होने पे चैन मिली है मत, मेरे को कुछ नहीं मिला, फिर भी इसने कितना बड़ा झूठ बोला. अभी इसमें डिफरेंट एलिगेशंस है. कुछ एलिगेशंस ऐसे है कि उनकी बेटी को भी कुछ बोला गया है. एक एलिगेशन ये भी है कि उन्हें कुछ पैसे मिलने थे उन्हें नहीं मिले. इवन उस वीडियो में शी वॉज एक्सप्लेनिंग कि कैसे उसे थोड़ा मिसट्रीट किया गया है. अभी ये जो स्पेसिफिक वीडियो था ना वो थोड़े वक्त बाद सपना ने निकाल दिया, बट ये वीडियो तब तक काफी लोगों ने देख लिया था, जिसके बाद और भी ज्यादा रूमर्स सर्कुलेट होने लगे कि मे बी अरमान ने अपनी बहन को धोखा दिया है. बिकॉज सपना का ना और एक चैनल था जिसमें वो व्लॉग्स डाल रही थी, बट देन सडनली वहां पे उसने व्लॉग्स डालना बंद कर दिया, एक दूसरे चैनल पे व्लॉग्स डालना शुरू कर दिया.
तो इस वजह से ये रूमर्स फैलने लगे कि मे बी अरमान मलिक ने वो चैनल उनका ले लिया है। तो इस पे अरमान की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन आया है दैट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सपना दीदी ने गलती से उनके जो बच्चे हैं ना उनकी वैसी क्लिप्स डाल दी थी जिसमें उन्होंने कुछ नहीं पहना है, इस वजह से उन्होंने गाइडलाइन वायलेट किया, हेंस अभी नए चैनल पे वो लोग व्लॉग्स डाल रहे हैं। तो दिस सीम्स लाइक अ सेंसिबल एक्सप्लेनेशन कि ये हो सकता है। एंड देखो, आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस कि ये लोग अपने बच्चों के आसपास लोगों को रिकॉर्ड करना अलाउ कैसे कर सकते हैं। आपकी इंटेंशंस अच्छे होंगे बट ये सब आप इंटरनेट पे डाल रहे हो एंड ये स्पेस में ना कई वियर्ड लोग हैं, इस वजह से ऐसे पॉलिसीज प्लेस में है। स्टिल लोग क्यों कैमरा लेके अभी अभी पैदा हुए बच्चे के पास जाते हैं ना, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। वो भी इतना इतना बड़ा रिंग लाइट भी होता है रूम में। एनीवे, सपना ने वो उसका रोते हुए वीडियो हटा दिया है जिस वजह से नो वन एग्जैक्टली नोज व्हाट इज द इशू हियर एंड क्या ये जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअल में मलिक फैमिली इज ट्रीटिंग सपना बैडली। सी, एक जेलसी फैक्टर यहाँ पे आया होगा। ऑफ कोर्स वी डोंट नो द ट्रूथ बट एक पॉसिबिलिटी है। पायल और कृतिका के साथ व्लॉग्स बनाने के बाद सपना की वीडियोज ना कई लोग देखने लगे, तो मे बी कृतिका और पायल को ऐसा लगा होगा दैट सपना इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम देम और समथिंग लाइक दैट एंड हेंस इसी वजह से वो इश्यूज यहाँ से शुरू हुए होंगे। अभी अरमान मलिक की जो फैमिली है ना वो थोड़ी फिशी है। सी, जो हस्बैंड अपनी पत्नी पे चीट करके उसके बेस्ट फ्रेंड से मिलने के 7 दिन के अंदर उससे शादी कर सकता है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, ये सवाल का जवाब देना इज नॉट दैट इजी। एक डाउट फैक्टर हमेशा रहेगा। सो इफ दे आर इन एनी वेज डिस्टर्बिंग सपना देन इट इज नॉट कूल बिकॉज दैट लेडी लेजिट डिड अ लॉट फॉर देम, यू कैन सी इट ड्यूरिंग देयर व्लॉग्स एंड फाइनेंशियली वो थोड़ा स्ट्रगल भी कर रही है। बीइंग सेड दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड्रेस वो गिफ्ट वाला इशू। सी, जो गलत है वो गलत है। इवन दो आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ देम स्टिल आई फील कि इस केस में ना पाल कृतिका को बेवजह हेट मिल रहा है। अभी माइंड यू ये तोहफे जब सपना को मिले थे ना तब वो काफी खुश हुई थी, शी हैड नो इश्यूज बट हर ऑडियंस गॉट वेरी एंग्री। फ्यू कमेंट्स इवन सेड कि हमारे घर में तो इससे भी ज्यादा देना पड़ता है ऐसी खुशखबरी आने पे। देन एक ने लिखा कि एटलीस्ट 21 सूट्स तो देना चाहिए था सपना को, ये क्या दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट पैसों की बात करें तो वी डोंट नो कि जब सपना जी उनके घर में थी तब भी उन्होंने यहाँ वहाँ उसे पैसे दिए थे कि नहीं। ये सब के बीच में ना इवन अरमान की और एक सिस्टर जिसका नाम सुनीता है वो भी इक्वेशन में आ गई। कुछ दिन पहले तो अपसेट थी अरमान से दैट उसके घर में बच्चा हुआ है फिर भी बुलाया नहीं बहन को, एंड रिटर्न में अरमान वाज सेइंग कि उन्होंने नंबर ब्लॉक कर रखा है उसको कैसे बुलाता। लाइक पेटी फैमिली इश्यूज दे आर शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया एंड इन केस आप अगर ऐसा कुछ देखोगे ना तब साइड मत लेना किसी एक पार्टी बिकॉज ऐसे फैमिली इश्यूज में ना जनरली सबको लगता है कि वो सही है एंड सामने वाला गलत। जस्ट दैट लोगों को क्योंकि जस्ट अपना साइड दिखता है तो दे हार्डली एक्सेप्ट देयर फॉल्ट। एनीवेज, व्हेन इट कम्स टू सपना इफ एक्चुअली उसे पैसों के लिए तंग किया जा रहा है देन शी शुड स्पीक अबाउट बिकॉज ऑलरेडी उसने क्लिप डाला एंड देन उसे हटाया तो लोगों ने वो देख लिया है एंड इट हैज जस्ट क्रिएटेड कंफ्यूजन। इट इज बेटर कि वो क्लेरिफिकेशन थोड़ा दे दे सो दैट कोई भी फैमिली को अननेसेसरी हेट ना मिले अगर जस्ट ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था तो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो गिफ्टिंग ट्रेडिशन है कितना सारा तोहफा देना चाहिए, क्या आप उससे रिलेट कर पाते हो कि नहीं। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।